लोग मैथ से पता नहीं क्यों डरते हैं, एक फोबिया बना के रखते हैं अपने मन के अंदर कि मैथ्स बहुत टफ है, बहुत टफ है, मेरे से नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो माइंड सेट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में आप बच्चा करना चाहते हैं, एक फैक्ट है, अगर आप कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स में अगर अच्छा है तो उसके बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे हो जाते हैं, ये देखा गया है। अमूमन अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स में परफेक्ट है, मैथ्स उसको अच्छे से आती है ना, तो उसकी बाकी सब्जेक्ट में भी कमांड बहुत अच्छी होगी। आपने ज़रूर देखा होगा अपने साथ के बच्चों के साथ भी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, देखो मैं मैथमेटिक्स का मास्टर्स मैंने किया है, MSc मैथमेटिक्स से मैंने किया है। ठीक है, सो मैं जो चीज़ कह रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स से ही मास्टर्स किए हैं। सो मैंने देखो मेरे क्लास 4 तक ना बहुत ही ज़्यादा बेकार था पढ़ने में, ठीक है, लेकिन क्लास 5 में आके मेरा माइंड सेट चेंज हो गया। सिर्फ एक टीचर के स्टेटमेंट ने मेरे माइंड सेट को चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि मेरे टीचर ने मुझे क्या बोला कि तुम अच्छा कर सकते हो अगर पढ़ोगे तो, सिर्फ इतना बोला और उस चीज़ को मैंने कैप्चर किया। मैंने सोचा सर ने कुछ देखा होगा मुझ में तभी बोला है। ठीक है, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहली बात तो यह है आपका माइंड सेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। अगर आप सोच रहे हो कि भैया मैथ टफ है टफ है टफ है, तो वो आपके दिमाग में घर कर जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी पढ़ो वो आपको टफ ही लगेगा मैथ से रिलेटेड। तो एक माइंड सेट बनाना है कि मुझे सीखना है, मैथ्स टफ नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो। मैथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, ब्यूटीफुल क्वीन कहा जाता है। ठीक है, और एक बार आप इसके साथ हो जाओगे ना, तो आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, जैसे मुझे हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको स्ट्रेस फ्री होना पड़ेगा। ये नहीं सोचना है कि अरे भाई टफ है मेरे से हो पाएगा या नहीं, मैं कर पाऊँगा नहीं, ये चीज़ तो दिमाग से निकाल दो, स्ट्रेस फ्री हो जाओ। जब भी पढ़ने बैठो इन्जॉय करना है आपको, ठीक है, कि मुझे सीखना है। ठीक है, फोकस मेन चीज़, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, सिर्फ मैथ्स की ही बात नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है आपका फोकस। अगर आप फोकस हो, ठीक है, आप स्ट्रेस फ्री होकर बैठ रहे हो पढ़ने, तब जो भी चीज़ आप पढ़ोगे ना आपके मन में बैठ जाएगा, समझ पाओगे। तो ये चीज़ सबसे मैटर करती है, आपका माइंड सेट, आप स्ट्रेस फ्री रहो, फोकस रहो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है। नंबर वन, स्टार्ट विद बेसिक्स। ठीक है, अगर आपको मैथ्स नहीं आती है, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी बेसिक्स पे जाओ। ठीक है, पहले उसके बेसिक्स बनाओ, ये नहीं कि आपका दोस्त एडवांस प्रॉब्लम बना रहा है, करने दो उसे यार, वो अच्छा है, वो अपने जगह सही है, बट तुम्हें तो शुरुआत से स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये नहीं तुम्हें आता नहीं है बड़े बड़े प्रॉब्लम लगाए जा रहे हो, उससे तुम और डीमोटिवेटेड हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो। ठीक है, स्टार्ट विद बेसिक्स, आपकी जो भी चीज़ है, अब जिस भी क्लास में हो उस क्लास के हिसाब से, उस स्टेज के हिसाब से अपने बेसिक्स को क्लियर करो। ठीक है, अपने आप को टाइम दो, टेक योर टाइम, अपना टाइम लो। नंबर टू पॉइंट, कि जितना टाइम लग रहा है लगने दो, जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं हो जाता है आप लगे रहो। आजकल यूट्यूब में इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है, आप सीख सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो भी आप सीख रहे हो किसी को अगर डिलीवर करते हो उस चीज़ को, तो आपका नॉलेज और इम्प्रूव होगा। सिखाने से नॉलेज बढ़ता है, नॉलेज बांटने से बढ़ता है। तो अपना टाइम लो, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, ठीक है, और चीज़ों को सीखते जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम लगाओ। ठीक है, गो ओवर न्यू कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। फिर क्या है ना, जब आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, अपना टाइम लो, चाहे जितना मिनट लग रहा है, बार बार रिवाइज करना है। देखो चीज़ें जब आने लगेंगी ना बाद में, अगर किसी क्वेश्चन को आपको करने में पहले स्टार्टिंग में 5 मिनट लग रहा है ना, जब आप उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करोगे, तो वही क्वेश्चन आप विद इन 1 मिनट के अंदर भी कर लोगे, ये हकीकत है। ठीक है, सो स्टार्टिंग में टाइम लग रहा है लगने दो। आपको क्या करना है, उसके बाद का जो स्टेज वो है गो ओवर न्यू कॉन्सेप्ट। उसके बाद बेसिक्स क्लियर करने के बाद आपको न्यू कॉन्सेप्ट पे जाना है, न्यू कॉन्सेप्ट पे मूव करना है और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। कई प्रॉब्लम्स होते हैं सॉल्व मिलते हैं हमें, करो, कोई दिक्कत नहीं, देख के ही कर रहे हो करो, लेकिन हर क्वेश्चन को हैबिट मत बनाओ कि मुझे देख के ही करना है। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक पे आपने 10 क्वेश्चन देख के सॉल्व किए, जो सॉल्व है ऑलरेडी, आप हिंट ले लेके सॉल्व कर रहे हो, तो कोशिश करने की 15 से 20 क्वेश्चन मैं ऐसे करूं उन्हीं टॉपिक पे जो अनसॉल्व हो।
ठीक है, उनको सॉल्व करना है हमें, तो ये चीज मैटर करती है। फिर क्या है, मेक योर ओन नोट्स, ठीक है, आप जो भी पढ़ रहे हो, बच्चे क्या करते हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाते हैं। बट मैथ में क्या है, एक रफ कॉपी खरीदते हैं, रफ कॉपी में लिख दिया, भर दिया, सिर्फ सॉल्यूशन लिखा, छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैथ्स में अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है, मैथ्स अगर आपका वीक सब्जेक्ट है, यकीन मानो मैंने किया है ट्राई, आपको भी फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। क्या करना है, अपने खुद के नोट्स बनाने, टॉपिक वाइज सब, ठीक है, टॉपिक वाइज नोट बनाओ, क्वेश्चन को भी लिखो, और कोशिश करनी है कि सुंदर बनाना है, सुंदर नोट्स बनाना है। उससे क्या होता है ना, पढ़ने में एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है, सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट होता है। हर क्वेश्चन में कोशिश करनी है कि कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ उस क्वेश्चन में है, उसको एक ब्रैकेट में, डब्बे में लिखो, कोई फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख दो, कोई चीज़ इस पर आप विशेष ध्यान देना है, उस चीज़ को लिख दो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हर टॉपिक का फॉर्मूला शीट बनाओ, ठीक है, एक पेज बनाओ, चिपका दो सामने, पढ़ो, रिवाइज करो, और एक बुक बनाओ, पॉकेट बुक या जो भी नोटबुक होती है, फॉर्मूला शीट बना दो, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा फॉर्मूलेज होते हैं, कॉन्सेप्ट तो है ही, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहता है, लेकिन फॉर्मूलेज आपको लर्न करने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं, मेथड लर्न नहीं करना पड़ता, मेथड आपके दिमाग में बैठ जाता है अगर एक बार फोकस्ड होके देखोगे, सीखोगे तो। लेकिन फॉर्मूला आपको रट्टा ही मानना है, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, लेकिन बेस्ट तरीका है लिख लिख के याद करो, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, बड़े से बड़े टॉपर का जो सीक्रेट होता है ना, वो यही होता है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो चीज़ आपने आज सीखी है, उसको कल फिर दोहराओ, कल फिर रिवीजन करो। क्या होता है ना, ये ह्यूमन नेचर है, आज हम कुछ सीख रहे हैं, दो चार दिन के बाद, हफ्ते के बाद, वो माइंड से डिलीट होने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि हम नई चीज़ पढ़ने लगते हैं, वो चीज़ थोड़ा बैक में हटता रहता है, तो उसे हटने मत दो, पकड़ के पास में लाओ, क्योंकि आज मैंने अगर कोई चैप्टर पढ़ाया ना, तो कल अगर दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो, तो पहले चैप्टर को रिवाइज करो, परसों अगर तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हो, तो पहले दो को रिवाइज करो, मतलब उसको जाने मत दो, उसको अपने पास ही बना के रखो, है ना। तो सटीक ये उपाय होगा, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, मैथ्स का सबसे बेसिक रूल है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितने प्रॉब्लम्स आप खुद से बनाओगे, उतना ज़्यादा आप उस सब्जेक्ट में कमांड बना पाओगे, उस टॉपिक में कमांड बना पाओगे। मैथ्स का यही रूल है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको खुद से बनाने हैं, ठीक है, नए नए प्रॉब्लम जब आप करोगे ना, आप खुद से उस टॉपिक में अपना अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हो कि मुझे इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं, बहुत हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट, इन्जॉय योर स्टडी, ठीक है, सबसे मेन चीज़। और एक ये है कि जो दोस्त आपको बोलते हैं कि ये चीज़ मैथ भाई टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत टफ है, उनको तो कल्टी मारो, उनसे दूर रखो। संगति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट असर करती है आपके व्यक्तित्व पर, आपके माइंड पर, 40% इम्पैक्ट कर देता है आपके आपके दोस्त, आपके संगति, आपके दिमाग पर। तो हमेशा जो दोस्त होते हैं उनको चूज़ करो, अच्छे दोस्त ही बनाओ, जो आपको अच्छा करें, आपको अच्छा सजेस्ट करें, आपको मोटिवेट करें, ना कि आपको डीमोटिवेट करें, ठीक है। और इन्जॉय योर स्टडी, मैथ्स को फोबिया की तरह मत लो, मैथ्स एक ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, मुझे सीखना है, मज़ा आ रहा है, ये सोच के बैठो। जब भी आप पढ़ने बैठो तो पढ़ाई ही करनी है, ये नहीं यार दो घंटे आप पढ़ रहे हो, ज़बरदस्ती आपके पीछे किसी ने बंदूक तान रखी है, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। पढ़ने बैठो, स्ट्रेस फ्री होके बैठो, इन्जॉय करो, रिलैक्स करो, हमेशा पानी की गिलास रखो, नोटबुक रखो, और स्टेड होके पढ़ो, ये नहीं लेटे पढ़ रहे हो, बैठे पढ़ रहे हो, सोए पढ़ रहे हो, नहीं, ठीक है। प्रॉपर आपको पढ़ाई करनी है, ये नहीं कि गाने सुन रहे हैं। मैथ्स में ये होता है कि कभी अगर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर रहे हो, कॉन्सेप्ट जब आप सीख रहे हो ना, तो म्यूज़िक मत सुनो, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सीख चुके हो, उस पर आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर रहे हो, तो आप म्यूज़िक भी सुन सकते हो मैथ्स में। और कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप म्यूज़िक सुन के पढ़ सकते हो, है क्या? नहीं, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप म्यूज़िक सुनते भी पढ़ाई कर सकते हो, तो इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, क्यों डर रहे हो यार? इन चीज़ों को फॉलो करो, ये बेसिक्स रूल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनको अपने लाइफ में अप्लाई करो, आप मैथ्स के प्रो बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे यार। बस खुद पे बिलीव रखो, बिलीव इन योर सेल्फ, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। अगर अच्छा लगा हुआ वीडियो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देना। जय हिंद।